पाकिस्तानी नौजवान ताहिर अली की भारतीय खातून से शादी का मामला और आज ताहिर अली कोर्ट पहुंचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर वो अपनी दरख्वास्त जमा करवाएंगे, जिसमें मौकफ इख्तियार किया जा रहा है ताहिर अली की जानिब से कि वो अपनी बीवी से आज़ाद माहौल में बातचीत करना चाहते हैं और ये वो मामला अफामो तफहीम से हल करना चाहते हैं। ताहिर अपनी बीवी से मुलाकात की दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुका है और ताहिर अली की जानिब से आज ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई जाएगी, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया है ताहिर अली की जानिब से कि उससे उसकी बीवी से आजाद माहौल में मुलाकात करने की इजाजत दी जाए। याद रहे कि उज़्मा की जानिब से ये मौकिफ इख्तियार किया गया था अपनी दरख्वास्त में कि ताहिर अली उसका अपना शौहर उसे हरासा करता है और उसे जदोकोब का निशाना बनाता है, जिसके बाद भारतीय हाई कमिश्नर की जानिब से ये मौकिफ इख्तियार किया गया था कि उज़्मा अपनी मर्जी से वहां पर मौजूद है और वो ताहिर से नहीं मिलना चाहती। उसने अपना बयान दिया कि ताहिर अली ने उसे गन पॉइंट पर शादी की, ये उसका बयान सामने आया था, जिसके बाद ये स्टोरी कुछ और ही रुख इख्तियार करती हुई नजर आई और बाद में जाकर मालूम हुआ कि मनपसंद शादी थी ये, जिसके बाद ये तहफ़ुज़ात थे ताहिर की बीवी उज़्मा की जानिब से कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे। आज ताहिर की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू किया गया है और अपनी दरख्वास्त ताहिर की जानिब से जमा करवाई जा रही है, जिसमें उसके और उसके वकील की जानिब से ये मौकिफ इख्तियार किया गया है कि ताहिर को उसकी बीवी से आजाद माहौल में मुलाकात करने की इजाजत दी जाए। अभी हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के, जहां पर ताहिर अली अपने वकील के हमरा पहुंचे हैं और मुमकिन तौर पर वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। ताहिर अपनी बीवी से मुलाकात की दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और ये दरख्वास्त उनके जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। पाकिस्तानी नौजवान ताहिर अली की भारतीय खातून से शादी का मामला अभी तक हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। ताहिर अपनी बीवी से मुलाकात की दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है और दरख्वास्त में ये मौकिफ इख्तियार किया गया है ताहिर की जानिब से कि उसे एक आज़ाद माहौल में अपनी बीवी से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। याद रहे कि उसकी बीवी उज़्मा, जिसका ताल्लुक भारत से है, वो अभी भी भारतीय हाई कमीशन के पास, भारतीय हाई कमीशन के दफ्तर में मौजूद है। क्या आपकी प्रे है और वो कब फिक्स होगी? वो तो फिक्स है मंडे को। इसमें हमारा जो प्रेयर है, इसमें हमने साफ साफ लिखा है कि ये उसकी लीगली वाइफ है और उसको फ्री माहौल में, फ्री एटमॉस्फेयर में इसकी मुलाकात करवाना बहुत ज़रूरी है। ये जो उन्होंने वो स्टेटमेंट दिए, उसका एक भाई है वसीम, तो वसीम ने फ़ोन किया था हाई कमीशन को कि आप दोनों वहाँ पर जाओ। हाई कमीशन को भी फ़ोन किया था और इसके अलावा इसको भी फ़ोन किया था कि आप दोनों वहाँ पर जाए वलीमा के लिए, हम वलीमा मनाएंगे इंडिया में, आप दोनों वहाँ पे आएंगे। जब वो दोनों वहाँ पे चले गए तो उन्होंने उसको दूसरे दरवाजे पे बाहर कोर्ट की तरफ एफएयर कचहरी वहाँ भिजवाया और वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, एलिगेशन लगाए हैं इस पर। हालांकि वो जो शादी हुई है वो ठीक ठाक लीगली हुई है, उसकी प्री कंसेंट थी, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई जुल्म नहीं था, कोई जबर नहीं था। अभी अगर इन दोनों का मुलाकात एक फ्री एटमॉस्फेयर में हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्होंने प्रेशर में दी है। और इसके अलावा हमने एक दूसरा प्रेयर लिया है इसमें कि जब तक ये केस यहाँ पे पेंडिंग है वो पाकिस्तान में रहेगी। इसके लिए हमने रिट पिटीशन के साथ एक इंटरम रिलीफ भी मांगा है। इसमें हमने साफ साफ ये जाहिर किया है कि ये कहाँ पाकिस्तान में होगी, कहीं भी नहीं जाएगी। इसके साथ साथ हम एक दूसरा दावा भी दायर करेंगे इस्लामाबाद एफएयर कचहरी में कंजुगल राइट्स की। तो इंशाल्लाह फिर मंडे को देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। थैंक यू। अच्छा, उनकी तरफ से जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं एफएयर कचहरी में, उस हवाले से आप लोग कोई पिटीशन दायर करेंगे? वो तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस पर है, हम पर नहीं है। वो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं और वो उसको साबित करेंगे। हमारे साथ हर चीज़ की डॉक्यूमेंट्स है, वीडियोस भी हमारे साथ मौजूद है जो उन्होंने निकाहनामा किए ठीक ठाक। वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। अगर एलिगेशन वो लगाते हैं कि ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे ये किया है वो किया है, तो फिर वाघा बॉर्डर पे वो किया खुद आई, उन्होंने खुद वीज़ा लगाया है न्यू दिल्ली इंडिया में, वहाँ से वो आई है वाघा बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर से फिर मेरे मौकिल ने उसको अपने साथ ले गई है अपने घर पर। दो तीन दिन वहाँ पे वो बहुत होश थी, तो फिर उसका भाई वसीम ने फ़ोन किया,
उसको कि आप चली जाए हाई कमीशन ऑफ इंडिया एट इस्लामाबाद। अच्छा ताहिर, आप बताइएगा जो आपकी अहलिया ने जो इल्ज़ामात लगाए उस हवाले से क्या कहेंगे कि ये आपने गन पॉइंट पे उससे निकाह पे दस्तखत कराया है और ज़बरदस्ती आप लेके आए हैं, क्या कहेंगे उस हवाले से? नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ, ये मैंने पहले भी बोला है कि वो सारे जो है ना वो झूठ है, वो मेरे पास सबूत भी है और जो मेरे वकील ने बोला वही बात है। मैं अच्छा ये बता दें कि आप पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं उस पर आप क्या कहेंगे कि कोई दबाव था या क्या वजह हो सकती है? हाँ ज़ाहिर बात है दबाव है उस पर, जब 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 इससे फारिग हो जाए ना तो फिर डिमी जसूट भी दर करेंगे। उस्मान तो लगाए इल्जामात, लेकिन वहाँ पर इंडिया में जो है उनके भाई भी ये कह रहे हैं कि दबाव था, उनकी बहन ने भी उनसे रابطہ किया था, इस बारे से क्या कह रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनसे। थैंक यू थैंक यू। भैया आपने अपना माइक उठाए।